इंजन में ना एक ग्रंट है, एक थंप है, फील हो रहा है वो इसे ना कुछ जैसे दबा दबा सा है, खुल के इसका इंजन परफॉर्म कर नहीं पा रहा। BS6 नॉर्म्स हैं उसकी वजह से, जो इसमें एग्जॉस्ट लगाया है उसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, तो जो इंजन रिस्पॉन्स है ना उसको रोक देता है काफ़ी हद तक। जैसे आप स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ डायनामिक स्वाइपिंग जो है ना ये बहुत बढ़िया लगती है। फुल ब्रेक अप्लाई करके देखते हैं तो काफ़ी अच्छी ब्रेक्स हैं, स्लिप नहीं कर रही, शॉर्ट फुटेड ब्रेक। यहीं से आप अपना फ्यूल लिड खोल सकते हैं एंड यहीं से आप अपने सीट भी खोल सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट के बाद 60 से 80 एंड 60 से 80 की स्पीड में भी ये इजीली जो है कवर कर पा रही है। होंडा में ये प्रॉब्लम है कि वो 60 के बाद 65 के बाद फ्लैट हो जाती है एकदम, इसमें नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल राइड्स एंड ड्राइव्स। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हीरो की डेस्टिनी 125 एक्सट्रैक, लेटेस्ट वेरिएंट आया है ये डेस्टिनी का विद एक्सट्रैक टेक्नोलॉजीज़। अब हीरो अपनी सारी व्हीकल्स में एक्सट्रैक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, मींस इट्स ब्लूटूथ एनेबल्ड नाउ। एंड आज हम इस स्कूटी को एक्सप्लोर करेंगे, इसके सारे स्पेसिफिकेशंस एंड आपको ये क्यों स्कूटी कंसिडर करनी चाहिए आज वो बताएंगे एंड जान लेते हैं इसके कुछ फीचर्स एंड बताएंगे आपको ये चलने में कैसी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आप फ्रंट से देख सकते हैं इस स्कूटी को, जो ये पोर्शन है आपको प्लास्टिक का मिलता है, ये पोर्शन आपको प्लास्टिक का मिलता है, फ्रंट मडगार्ड आपको मेटल का मिलेगा, प्लास्टिक, फुल LED इंडिकेटर्स दैट आर हेलोजन, नंबर प्लेट होल्डर, क्रोम साइड मिरर्स, हीरो की बैजिंग, ICS की बैजिंग, दिस इज द मेटल पार्ट, क्रोम, डेस्टिनी 125 एक्सट्रैक, ये मेटल पार्ट है तो ये काफ़ी रेयर स्कूटीज में मिलता है आपको, स्ट्रॉन्ग ग्रैब हैंडल ये मेटल का है विद पिलन बैकरेस्ट एंड इस स्कूटी का ये ESP है, इसमें आपको बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का बैकरेस्ट मिलता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये एंड ये डनलप फॉर्म पता नहीं क्या है लेकिन बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, वाटरप्रूफ है, ये पूरा मेटल का पोर्शन है, दिस इज़ द फ्यूल लिड, हेलोजन रियर लाइट, हेलोजन इंडिकेटर्स, साइलेंसर में जो है क्रोम प्लेट मिलती है जो हीट को काफ़ी हद तक अवॉइड करती है, फुटरेस्ट इसमें आपको एल्यूमिनियम प्लस रबर कोटेड मिलते हैं एंड यहाँ की साइड आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है एंड ये है इसकी चाबी एंड यहीं से आप अपना फ्यूल लिड खोल सकते हैं एंड यहीं से आप अपने सीट भी खोल सकते हैं। एंड काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, तो आज हम आपको बताते हैं। पहले ये है चाबी, इसको अंदर डालिए, दिस इज़ इग्निशन ऑन, यहाँ इग्निशन ऑन हो जाएगा, अब इसे बंद करिए, पुश करिए, इसे राइट साइड घुमाएंगे तो इसका फ्यूल लिड खुल जाएगा, यहाँ से फ्यूल लिड करते हैं बंद, हैंडल घुमाएंगे, अंदर पुश करेंगे एंड लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो लॉक हो जाएगी, इसे अनलॉक करते हैं, हैंडल सीधा करिए एंड पुश किए बिना इसे लेफ्ट साइड घुमाइए, इसकी डिक्की खुल जाएगी, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस स्कूटी। प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 71,500 टू ऑल द वे टू 80,500, 71,500 से शुरुआत है एंड जाती है 80,500, मीन्स ऑन रोड आपको जो टॉप मॉडल है वो 90,000 के अप्रॉक्स पड़ जाता है एंड 90,000 में ये बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं इसमें जो आपको और स्कूटीज में नहीं मिलती। मेरे अकॉर्डिंग मान सकता हूँ कि मैं लुक थोड़ी सी और एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छी हो, तो लुक्स आपको शायद थोड़ी सी इसमें कम लगें और स्कूटीज़ के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल पैकेज की बात करें अच्छा इंजन मिलता है, अच्छा कंफर्ट मिलता है, अच्छे शॉकर्स मिलते हैं, अच्छी ब्रेक्स मिलती हैं, ड्रम ब्रेक्स होने के बावजूद इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है एंड बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें ड्रम ब्रेक्स लगी हैं उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, इसका रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, वे बेटर, आप एक बार चला के देखिए आपको खुद महसूस होगा, इसकी ब्रेकिंग्स बहुत अच्छी हैं, अगर इसमें डिस्क ब्रेक होती तो आपको और ज़्यादा जो है मज़ा आता है इस स्कूटी को चलाने में, स्कूटी को ब्रेक मारने में। एंड हीरो डेस्टिनी 125 इज़ अवेलेबल इन टोटल 15 कलर्स, में 4 वेरियंट्स आते हैं, अलग अलग वेरियंट्स में अलग अलग कलर्स अवेलेबल। लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन, इट्स 125 CC, मेक्स 9 हॉर्स पावर एंड द टॉक आउटपुट इज 10.4 Nm एंड ARI टेस्टेड माइलेज इज 45 KMPL। 45 KMPL की अगर बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि 35 to 40 आपको ईजिली दे देगी। ओवरऑल वेट, इस स्कूटी की वेट की बात करें तो इस 114 kg, इस स्कूटी का वेट इसके साइज़ के हिसाब से ज़्यादा है, मीन्स ये ज़्यादा मजबूत है एंड ओवरऑल लुक की बात करें तो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड में है एंड थोड़ी सी स्लीक है, बहुत ज़्यादा बल्की नहीं लगती, दो जने बैठे तो थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि दबी हुई लगती है स्कूटी है। एंड टॉप स्पीड क्लेम इज़ 85 KMPH, यू गेट बोथ ड्रम ब्रेक्स 130 mm एट फ्रंट एंड 130 mm एट रेयर। व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको
10 इंचेस के व्हील्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स। इसके जो बेस मॉडल है उसमें आपको स्टील रिम मिलते हैं। एंड टायर सेक्शन इस 90-90-10 जो कि एक्टिवा में मिलता है एंड बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है इसका टायर हर जगह। इसके अलॉय व्हील्स 10 इंचेस के हैं तो आपको दूर से इजीली पता नहीं चलेगा कि ये अलॉय व्हील हैं या स्टील रिम ही हैं नॉर्मल ब्लैक कलर के। पीछे भी वही सेम डिज़ाइन, हालांकि आगे अगर 12 इंच के व्हील यूज़ किए होते हैं एंड डिस्क ब्रेक यूज़ किया होता तो इस स्कूटी की ESP कुछ अलग ही होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डायमेंशंस। द लेंथ इज 1809 mm, विड्थ चौड़ाई 729 mm, हाइट मतलब हैंडल से लेके टायर तक की हाइट की बात करें तो दैट इज़ 114 mm। एक पहिए से दूसरे पहिए तक की डिस्टेंस को व्हील बेस बोलते हैं, दैट इज़ 1245 mm यानी 1245 ग्राउंड क्लियरेंस। दैट इज़ 155 ग्राउंड क्लियरेंस, थोड़ी सी कम है लेकिन इनफ है इंडियन रोड के हिसाब से। जैसे स्कूटी का साइज़ है उस हिसाब से 155 इनफ है, कहीं से जो है नीचे से लगती नहीं है ये स्कूटी। एंड सीट हाइट इसकी है 778 mm। एंड सीट हाइट इसकी कम होने की वजह से एंड हर हाइट के कैटेगरी वाले लोगों को ये काफ़ी ईजिली जो है अच्छी लगेगी, उनको काफ़ी कम्फर्टेबल लगेगी, ईजिली जो है आप इसमें पैर रख सकते हैं। क्रोम एक्सेंट है, बहुत सारा क्रोम भर भर के दिया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे स्कूटी जो है नीट एंड क्लीन लगती है, अगर क्योंकि ये गंदा हो भी जाता है तो गंदा ईजिली लगता नहीं है क्योंकि ये चमकता रहता है। एंड यू गेट अ 5 ईयर्स वारंटी फ्रॉम हीरो और 50,000 किलोमीटर्स, 5 साल तक आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अब आते हैं इसके क्लस्टर में, इसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है आपको, डायनामिक स्वाइपिंग स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिलता है, आपको फ्यूल गेज दिखेगा एंड ओडो ट्रिप वन टाइम डिजिटल क्लॉक। इसमें आपको यहाँ लो फ्यूल इंडिकेटर वार्निंग इंडिकेटर्स बाकी बेसिक से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। स्मार्ट गाइड ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं आपने अपने फ़ोन से, एंड वो कैसे कनेक्ट करना है मैंने अपने स्प्लेंडर वाली एक्सट्रैक वाली वीडियो में बता रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ जाके क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं कि आपको अपने फ़ोन को इसकी स्कूटी से कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको I3S का बटन मिलेगा, ऑन ऑफ का बटन, अगर आपको I3S फंक्शन ऑन चाहिए या ऑफ चाहिए। इलेक्ट्रिक स्टार्ट, दिस इज सेल्फ स्टार्ट बटन, पास इंडिकेटर हॉर्न। तो प्लास्टिक की क्वालिटी डिसेंट है, ये थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, लेकिन इसके जो मिरर्स हैं आपको वो बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, स्टील के मिरर्स मिलते हैं। एंड ग्रिप्स की क्वालिटी भी अच्छी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। एंड ब्रेक्स जो लीवर हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं, यानी यहाँ पे आपको एक हैंड ब्रेक भी दी गई है कि आप जैसे इसे दबाएंगे इसे लगाएंगे आपकी जो ब्रेक है वो एंगेज हो जाएगी। जैसे आपको इंक्लाइन पोजिशन में पहाड़ों पर खड़ी करनी है तो उसके लिए ये हैंड ब्रेक फंक्शन बहुत काम आता है। मेरी स्कूटी वेस्पा में ये नहीं है तो उसे थोड़ी सी कमी फील होती है। इस साइड आपको यहाँ एक USB सॉकेट दिया गया है फॉर चार्जिंग योर फ़ोन, यहाँ आप वायर लगा सकते हैं, अपना फ़ोन रख सकते हैं, चार्ज फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। एंड अब खोलते हैं इसकी डिक्की एंड देखते हैं क्या मिलता है आपको। अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी इज़ डिसेंट, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। यहाँ पे टूल किट, फर्स्ट एड किट एंड ये आपको यहाँ एलिमिनेशन लैम्प मिलती है, दैट इज़ LED, सम बेसिक गाइड एंड छोटे साइज़ का हेलमेट यहाँ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का हेलमेट यहाँ नहीं आ सकता। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो उसमें 5 लीटर का फ्यूल टैंक आता है एंड रिजर्व इज़ 1.5 लीटर। बीइंग अ BS6 व्हीकल तो इस स्कूटी में आपको कम से कम 1.5 लीटर पेट्रोल रखना ही पड़ेगा। तो एक नॉलेज फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल सारी बाइक्स एंड स्कूटीज BS6 हो गई हैं तो उसमें जो पेट्रोल है आप बिल्कुल एम्प्टी मत करिए, कम से कम 2 लीटर बाइक में एंड 1.5 लीटर स्कूटीज में आप कम से कम रखिए, नहीं तो फ्यूल पंप जो हैं उसके इफेक्ट ज़रूर होंगे, कहीं ना कहीं जो है उसे ख़राब करते हैं। स्कूटी की ओवरऑल लुक की बात करूँ तो स्कूटी की लुक थोड़ी सी और बल्कि होनी चाहिए थी, थोड़ी सी और जिसे कहूँगा कि अपीलिंग होनी चाहिए थी, डिज़ाइन में थोड़ा सा हीरो को काम अपने करना चाहिए। हालांकि जो बाइक का बैक पोर्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि पिलन बैकरेस्ट लगा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊंचा है तो आपको पसंद आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अगर हालांकि थोड़ा सा फ्लैट होता तो ज़्यादा अच्छा लुक वाइज लगता जैसे कि जुपिटर में आता है, क्योंकि इसे कंफर्टेबल साइड में रखा गया है, इसे कंफर्टेबल बनाने के लिए इसका जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा रखा गया है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है इसका बैक रेस्ट। एंड फ्रंट साइड आपको टेलीस्कोपिक शॉकर्स मिलते हैं जो कि अच्छा काम करते हैं काफ़ी। एंड इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, ब्रेक्स इसकी मैंने आपको बताया कि वाकई बहुत अच्छी ब्रेक्स हैं। प्रोग्राम्ड FI की बैजिंग, इसमें आपको DRL देख सकते हैं कि DRL जलते हुए कितने बढ़िया लगते हैं दूर से। फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे फुल्ली LED लाइट्स मिलती हैं, हालांकि LED लाइट्स का थ्रो जो है उतना अच्छा नहीं होता, चमकती बहुत है, आपको दूर से जो है ट्रैक करती हैं, दूर से आपको ऐसा लगेगा यार बहुत तेज़ लाइट है आँखों पड़ती है, लेकिन थ्रो इन लाइट्स का इतना अच्छा नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। इसमें आपको 4 LEDs मिलती हैं, 5 LEDs मिलती हैं इसमें आपको। एंड अगर आप वो स्कूटी देख रहे हैं 80,000-90,000 की रेंज में तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, यू कैन डेफिनेटली बाय इट।
अगर आपको इसकी लुक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये स्कूटी बहुत वैल्यू फॉर मनी लगेगी। सारे फीचर्स एंड सारे स्पेसिफिकेशन इस स्कूटी के बहुत अच्छे हैं। आज हम चला रहे हैं हीरो की डेस्टिनी 125 एक्सट्रैक, जो कि लेटेस्ट मॉडल आया इसका एक्सट्रैक। एंड करें बात फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो फर्स्ट इम्प्रेशन यही है कि स्कूटी की जो वाइब्रेशन है वो हल्की सी फील कर रहा हूँ मैं, जैसे कि 30 के ऊपर मैं जा रहा हूँ तो हल्की सी वाइब्रेशन है इसके इंजन में, इसकी बॉडी में। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग इसकी ड्रम के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, एकदम क्विकली लग रही हैं। पिकअप इसका डिसेंट है, 125 के हिसाब से डिसेंट पिकअप है। 9 हॉर्स पावर का इंजन है इसमें, तो जो इंजन रेव है, एक्सेलरेशन है वो अच्छा है। जैसे एक्टिवा में भी 125 इंजन है तो उसका एक्सेलरेशन इससे थोड़ा कम है, हालांकि वो हल्की सी इससे ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन एक्सेलरेशन के मामले में डेस्टिनी 125 आगे निकल जाएगी। इसका एक्सेलरेशन एंड इसका पिकअप वे बेटर है एक्टिवा से। ये आप रेव कर रहे हैं तो एकदम से थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका अच्छा है, पिकअप उठा रही है। एक्टिवा में क्या है कि उसका बड़ा डिसेंट एंड स्मूथ सा पिकअप है, तो बहुत ही स्मूथली उठाती है वो। इनिशियल पिकअप की बात करें तो इनिशियल पिकअप एक्टिवा में आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा, मिड रेंज आपको एक्टिवा में ठीक ठीक मिलेगी। इसका इनिशियल रेंज एक्टिवा जितना ही है, लेकिन इसकी मिड रेंज एक्टिवा से कहीं ज़्यादा अच्छी है। टॉप एंड में तो दोनों सेम ही है, अप्रॉक्स 85-90 km/h की टॉप स्पीड जो है दोनों में अचीव कर सकते हैं आप। थोड़े से गड्ढे वाले रास्तों में एंड जैसे आप देख सकते हैं थोड़े से बैड पैचेस में इसके शॉकर्स अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जो गड्ढे हैं वो ज़्यादा फील नहीं कराएगी ये स्कूटी। एंड सस्पेंशन दोनों में सेम ही है, एक्टिवा में भी अगर इसे कंपैरिजन करें एक्टिवा से तो सस्पेंशन दोनों में सेम ही है। टेलीस्कोपिक शॉकर्स आते हैं इसमें हाइड्रोलिक, तो दोनों का जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी सेम है। एंड सस्पेंशन एंड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो भी दोनों की सेम है। बट इसमें अगर जैसे कंपैरिजन करें एक्टिवा और डेस्टिनी में, तो इसमें मुझे एक्टिवा से थोड़ी सी इंजन नॉइज ज़्यादा मिल रही है। जैसे इसके जो फ्यूल पंप्स हैं, जिसे आप कहते हैं कि इसके जो फ्यूल इंजेक्शन्स हैं, उसमें हल्की सी आवाज़ ज़्यादा है। एक्टिवा में थोड़ी सी आवाज़ कम है इसमें, लेकिन एक्टिवा और इसके पिकअप में आप इजीली जो है फ़र्क चलाते ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों के पिकअप में काफ़ी फ़र्क है। एक्टिवा के इंजन को इतना ज़्यादा साइलेंट कर दिया है कि उसका पिकअप जो है दब गया है, उसका एक्सेलरेशन दब गया है। इसमें जो है हालांकि आपको इसमें थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसको आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसको आपको जो है पिकअप देने में ज़्यादा फील होगा बेटर कि हाँ यार इसका पिकअप ज़्यादा अच्छा है। एंड डिजिटल सेमी डिजिटल क्लस्टर इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जिन लोगों को स्पीडोमीटर्स एनालॉग ही पसंद है उनको तो ये स्कूटी पसंद आने वाली है, क्योंकि आजकल के टाइम में धीरे धीरे सारी स्कूटी सारी ब्रांड जो हैं डिजिटल फुली डिजिटल की तरफ जा रही हैं। एनालॉग के स्पीडोमीटर्स का अपना ही अलग मज़ा है, जैसे सुई ऐसे जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तभी से थोड़ा सा रेव करेंगे फुल एक्सेलरेशन। मिड रेंज इसकी कहूँगा कि 30-50 तक इसका पिकअप ठीक है, लेकिन काफ़ी मनूवरेबल है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी जिपी है। अरे बात इसके इंजन के साउंड की, तो इसके हीरो के इंजन के साउंड में एक अलग ही थंप होती है, तो आपको एग्जैक्टली होंडा जैसी नहीं मिलती साउंड। होंडा इज़ ऑन सॉफ्टर साइड, इसकी टॉप स्पीड देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। लेकिन ब्रेक्स इसकी बहुत बढ़िया है, ब्रेक्स इसकी शॉर्ट फुटेड है। ड्रम ब्रेक्स होने के बावजूद भी इसकी ब्रेक्स ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है ना। काफ़ी स्कूटीज होती हैं जिनमें डिस्क ब्रेक लगी होती है, उनका ब्रेक रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस स्कूटी का ड्रम ब्रेक होने के बावजूद भी इसमें जो ब्रेक आप मारते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। इसके टायर फिसलते नहीं है, इसकी स्पीड तेज करके देखते हैं कहाँ तक जाती है ये। यहाँ तक तो इजीली चली गई, 85 तक चली, 50-60 तक सिटी के लिए इसका पिकअप में आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए 60 के बाद 60-80 एंड 60-80 की स्पीड में भी ये इजीली जो है कवर कर पा रही है। होंडा में ये प्रॉब्लम है कि वो 60 के बाद 65 के बाद फ्लैट हो जाती है एकदम, इसमें नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा गाइस, ये कि जैसे ही एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो 30 के बाद आई कैन फील वाइब्रेशंस, बिट वाइब्रेशंस, लेकिन बिफोर 30 वाइब्रेशन कुछ नहीं है। तो जैसे ही इसका जो इंजन है पिकअप पकड़ता है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन इसमें से फील कर सकता हूँ। इंजन में ना एक ग्रंट है, एक थंप है, फील हो रहा है वो।
125 सीसी में ये जो है चीज़ कम ही देखने को मिलती है। तो जो लोग हीरो की स्कूटी प्लान कर रहे हैं एंड जो लोग 125 सीसी सेगमेंट में कोई स्कूटी प्लान कर रहे हैं तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मेरी तरफ से तो हाँ है, अच्छी स्कूटी है, काफ़ी अच्छा काम किया हीरो ने अपनी इम्प्रूव्ड डेस्टिनी 125 में। जैसे मैं इसे ज़ीरो से रेव कर रहा हूँ तो इंजन में एक थोड़ी सी थंप आ रही है। इंजन का ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से ना कुछ जैसे दबा दबा सा है, खुल के इसका इंजन परफॉर्म कर नहीं पा रहा। वो शायद जो BS6 नॉर्म्स हैं उसकी वजह से, जो इसमें एग्जॉस्ट लगाया है उसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं तो जो इंजन रिस्पॉन्स है ना उसको रोक देता है काफ़ी हद तक। ये देखिए जैसे मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो कोई चीज़ रोक रही है इसे, ये देखिए। लेकिन हाँ 20 के बाद जो है एकदम से झटका सा आया एंड इट मीन्स जो इसका रेव है वो 5000 RPM तक पहुँच गया था और तभी इसमें जो है पीक टॉर्क अचीव किया, लेकिन इसे कोई चीज़ ऐसा रोक रही है। जैसे आप स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ डायनामिक स्वाइपिंग जो है ना ये बहुत बढ़िया लगती है एंड इसमें आपको जो है आई टच स्टार्ट नहीं मिलता। जैसे कि आई टच स्टार्ट मीन्स कि आपको सेल्फ की आवाज़ नहीं आएगी, वो टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है। इसमें आपको सेल्फ की आवाज़ आएगी एंड बाकी लो एंड टॉर्क, लो एंड पंच तो अच्छा है इसका, ये देखिए तो अच्छा पंच है इसमें। वो चीज़ आपको एक्टिवा में नहीं मिलेगी, वो मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए आप ये स्कूटी ख़रीदेंगे लो एंड पंच के लिए। इसमें रिस्पॉन्स, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स का काफ़ी अच्छा है एक्टिवा के अकॉर्डिंग। एंड आई होप गाइस कि मैंने इस स्कूटी के सारे फीचर्स, सारे स्पेसिफिकेशंस कवर कर लिए हों। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो डू लीव दैट कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मेरे उसकी विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वाकई बहुत अच्छी है। प्लास्टिक के मिरर्स उनसे काफ़ी अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, इसके मिरर्स आते हैं। फुल ब्रेक अप्लाई करके देखते हैं तो काफ़ी अच्छी ब्रेक्स हैं, स्लिप नहीं कर रही, श्योर फुटेड ब्रेक्स हैं। इस सीट कुशनिंग की बात करें तो इसमें सीट कुशनिंग थोड़ी हार्ड साइड में रखी गई है एंड क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न है एंड इंडियन वेदर बहुत हॉट रहता है तो आपके जो हिप्स में ना स्टिकीनेस नहीं होती हार्ड सीट की वजह से। सॉफ्ट सीट में ओके हिप्स में बहुत स्टिकीनेस होती है, बहुत इरिटेशन होती है। एंड हार्ड सीट होने का ये तो फ़ायदा है कि स्टिकीनेस नहीं होगी, ज़्यादा पसीना नहीं आएगा तो थोड़ा सा कंफर्टेबल साइड में जो है आप कह सकते हैं कि हार्ड सीट के जो फ़ायदे होते हैं। स्कूटी में हीरो का भरोसा मिल रहा है, 5 ईयर्स की वारंटी मिल रही है, 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल रही है। आपको सर्विस इशू, वारंटी इश्यूज इसमें नहीं फेस करने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस स्कूटी की तरफ, बहुत अच्छी स्कूटी है, बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है ये। एंड आई होप गाइस आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने सारी स्पेसिफिकेशंस एंड सारे फीचर्स इस स्कूटी के कवर कर लिए हों एंड आपको राइड इंप्रेशंस भी दिए हैं कि चलने में काफ़ी अच्छी है स्कूटी, जैसी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है ये चलने में। हालांकि थोड़े टायर्स बड़े होते तो और ज़्यादा अच्छी चलती है। एंड अगर आपको ये वीडियो एंड अगर आपको स्कूटी अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस नई स्कूटी से, नई बाइक की वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, टेक केयर, गुड बाय।